हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एली और आज हम लोग हिंदी स्टोरी बुक पढ़ेंगे। क्या आपको स्टोरी सुनना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए हम लोग बुक से स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ जरूर पढ़ना। तो चलिए हम लोग मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिल सके। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। लोमड़ी और कौवा। एक समय एक लड़का पनीर खा रहा था कि एक कौवा उड़कर कहीं से आया और उसके हाथ से पनीर का टुकड़ा झपट कर तेजी से एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा और मजे से पनीर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने कौवे की चोंच में पनीर के टुकड़े को देखा और लालच से अपने होठों पर जीभ को फेरा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम कितने प्यारे दिखते हो। तुम्हारे चमकीले पंख और नुकीले चोंच जब इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज कितनी मधुर होगी। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। ऐसा करते ही उसकी चोंच में दबा हुआ पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी उठाकर भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते कहा, प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है पर बुद्धि नहीं है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? झूठी प्रशंसा करने वाले से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कौवे और लोमड़ी वाली कहानी? क्या आपको ये वीडियो देखने में मजा आया? मुझे भी बहुत मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही दूसरे वीडियो में फिर से मिल सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।